दोस्तों, JDBC वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे स्टेप्स टू बिल्डिंग अ JDBC एप्लीकेशन। बहुत सारे लोग होते हैं जो इस तरह के JDBC स्टेप्स को बिगनिंग में ही पढ़ाते हैं, लेकिन मेरा स्टाइल कुछ डिफरेंट है। मैंने आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे दिया है, फिर इन स्टेप्स को गो थ्रू करेंगे तो दैट मेक्स सेंस, राइट? सो लेट्स गो थ्रू द एवरी स्टेप्स। तो वी नीड टू फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स टू बिल्डिंग अ JDBC एप्लीकेशन। जब भी आप JDBC का एप्लीकेशन लिखते हैं या आप अपने क्रिएशन में डॉ लेयर, डेटा एक्सेस लेयर लिखते हैं, राइट, तो उसमें इन स्टेप्स को आपको फॉलो करना होगा। फर्स्ट स्टेप होता है रजिस्टर द JDBC ड्राइवर, राइट। ऑलरेडी हमने देखा है क्लास डॉट फॉर नेम का यूज करके हम JDBC ड्राइवर को रजिस्टर करते हैं, राइट। तो ये जो स्टेप्स है JDBC 4 ऑनवर्ड्स, ये ऑप्शनल है, इस स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट, ओपन अ कनेक्शन। वंस यू रजिस्टर द ड्राइवर यूजिंग क्लास डॉट फॉर नेम, देन आपको क्या करना है, डेटाबेस कनेक्शन ओपन करना है, राइट। इसके लिए देर आर कपल ऑफ वेज। यदि आप विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन यूज करते हो, सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन, और ड्राइवर मैनेजर से कनेक्शन लिया है, तो ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, एंड तीन टाइप के मेथड, तीन वेरिएंट गेट कनेक्शन के हैं, राइट। पहला वन पैरामीटर, देन टू पैरामीटर, तीसरा थ्री पैरामीटर्स पास होता होने वाला मेथड से, राइट। तो यूजुअली इंडस्ट्री लेवल पर ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, जहां डेटाबेस URL, यूजर नेम, पासवर्ड भेजा जाता है, तो इस तरह के API को ज़्यादा यूज किया जाता है, राइट। दूसरा ये कि आप JNDI वगैरह यूज कर रहे हैं, राइट, वेब बेस्ड एप्लीकेशन, राइट, तो वहाँ जो कनेक्शन लेने का जो वे होता है लिटिल डिफरेंट होता है, वो हम देखेंगे फ्यूचर वीडियोज में, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप होता है एक्सक्यूट SQL कमांड या SQL क्वेरी, फॉर एग्जांपल अ क्वेरी और एन अपडेट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेप होता है आपको SQL क्वेरी प्रिपेयर करना हो, उसको एक्सक्यूट करना हो। SQL क्वेरी सेलेक्ट स्टेटमेंट हो सकता है, या इंसर्ट, अपडेट या डिलीट हो सकता है। दैट इज योर थर्ड स्टेप, राइट। देन एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम द रिजल्ट सेट। यदि आपने थर्ड स्टेप में आपको सेलेक्ट क्वेरी आपने एक्सक्यूट किया, तो आपको एक्सक्यूट क्वेरी मेथड हम कॉल करते हैं, राइट, स्टेटमेंट पे, JDBC स्टेटमेंट पे, एंड वो क्या रिटर्न देता है, रिजल्ट सेट। तो रिजल्ट सेट का आपको, रिजल्ट सेट से डेटा को आपको एक्सट्रैक्ट करना होगा, राइट। नाउ लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्लीन अप द एनवायरनमेंट। क्लीन अप द एनवायरनमेंट में क्या होता है कि जैसे डेटाबेस कनेक्शन, स्टेटमेंट, रिजल्ट सेट, इन सारे चीज़ों को आपको प्रॉपरली क्लोज करना होगा। और क्लोज कहाँ करते हैं, यूजुअली ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक। तो फाइनली ब्लॉक में हम क्लोज कर देते हैं, ट्राई ब्लॉक में इन रिसोर्सेज को यूज करते हैं, फाइनली ब्लॉक में इसको सेफली क्लोज कर देते हैं, ताकि आपको क्लोज करने से क्या होता है कि रिसोर्स मेमोरी को रिलीज कर देता है। अदरवाइज क्या होगा कि आपके रिसोर्स ओपन रहेगा, राइट। तो स्टिल दैट विल टेक द मेमोरी फ्रॉम योर JVM, राइट। और अल्टीमेटली यदि वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, इस तरह से बहुत सारे ओपन कनेक्शन रह गया, तो आपका एप्लीकेशन आउट ऑफ मेमोरी हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा रिसोर्स को क्लीन कर देना चाहिए, क्लोज कर देना चाहिए, राइट। ऑफकोर्स आपको फाइनली ब्लॉक, इफ यू डोंट वांट टू राइट द फाइनली ब्लॉक, तो जावा 7 का एक फीचर होता है ट्राई विथ रिसोर्सेस, तो आपको वो यूज करना है, ताकि आपको एक्सप्लिसिटली इन रिसोर्सेज को आपको फाइनली ब्लॉक में क्लोज ना करना पड़े। दोस्तों, ये थी कंसेप्ट। अब इक्लिप्स में जंप करते हैं, वहाँ मैं इन चीज़ों को समझा देता हूँ आपको, राइट। सो ऑलरेडी वी हैव कोडेड सो मेनी एग्जाम्पल, तो एक एग्जाम्पल को लेके मैं उसे समझा देता हूँ आपको, राइट। जैसे यहाँ टिपिकल जो JDBC है, जावा 7 से पहले हम कैसे लिखते थे, वो स्टाइल में मैंने लिखा है। यहाँ देख सकते हो कनेक्शन स्टेटमेंट मैंने यहाँ डिक्लेयर कर दिया है, राइट। तो सबसे पहले JDBC ड्राइवर को लोड करना है। तो आप देख सकते हो कि जैसे ही गेट MySQL कनेक्शन आप कॉल करेंगे, तो जो स्टैटिक ब्लॉक है एक्सक्यूट करेगा। यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, JDBC ड्राइवर को रजिस्टर कर रहे हैं, राइट, क्लास डॉट फॉर नेम का यूज करके। और ये जो ड्राइवर नेम है, चूंकि MySQL यहाँ यूज कर रहा हूँ डेटाबेस, तो MySQL का ड्राइवर है। इनकेस आप Oracle यूज करेंगे, तो Oracle का ड्राइवर होगा। DB2 यूज करेंगे, तो DB2 ड्राइवर होगा। और डेटाबेस ऑलवेज एक जार प्रोवाइड करता है, राइट, वो जार आपके क्लास पाथ में अवेलेबल होना चाहिए। MySQL के लिए MySQL कनेक्टर जावा जार है, उसी तरह ओरैकल के लिए OJDBC जार होता है, राइट। तो पहला स्टेप है रजिस्टर द ड्राइवर। ये जो स्टेप है JDBC 4 ऑनवर्ड्स ऑप्शनल है, आप इसे लिखे ना लिखे फिर भी चलेगा। लेकिन यदि इनकेस ये कोड नहीं भी लिखते हो, हाईलाइटेड कोड, लेकिन आपका ये जार क्लास पाथ में होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ड्राइवर मैनेजर जो ड्राइवर है उसको रजिस्टर कर देगा, ठीक है।
तो इन केस आप ओरैकल और माई सीक्वल दोनों यूज कर रहे हैं तो ओरैकल का जार और माई सीक्वल दोनों का जार क्लास पाथ में होना चाहिए। इस एप्लीकेशन में चूंकि माई एसक्यूएल सिर्फ यूज हो रहा है तो माई एसक्यूएल का जार है। ओके, दिस इज स्टेप नंबर वन। देन स्टेप नंबर टू है, क्या कहा था, कनेक्शन हमें क्रिएट करना होता है। तो सिंपल देख लो, स्टेप नंबर टू है ओपन अ कनेक्शन, राइट। नाउ व्हाट एल्स वी हैव टू डू, यदि मैं यहाँ जाऊँ तो थर्ड स्टेप कर रहा है एक्सक्यूट सीक्वल कमांड और सीक्वल क्वेरी। अब मैंने एसक्यूएल क्वेरी प्रिपेयर कर लिया जो इंसर्ट क्वेरी है, राइट, इंसर्ट क्वेरी है, और इस इंसर्ट क्वेरी को एक्सक्यूट कर दिया बाय कॉलिंग द एक्सक्यूट मेथड। तो यहाँ आपके पास प्रोविजन है, इधर यू कैन कॉल एक्सक्यूट और एक्सक्यूट अपडेट, राइट राइट। तो ये क्या करेगा, डेटाबेस इंजन को ये सीक्वल क्वेरी सेंड करेगा। तो एक्सक्यूट और सीक्वल कमांड, फॉर एग्जाम्पल क्वेरी और एन अपडेट क्वेरी, राइट। तो ये स्टेप नंबर थर्ड हो गया। फोर्थ क्या है आपको, कि रिजल्ट आपको एक्सट्रैक्ट करना है या रिजल्ट सेट एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ तो रिजल्ट सेट नहीं है क्योंकि सेलेक्ट क्वेरी नहीं है, राइट। तो ऑफकोर्स एक क्वेरी एक्सक्यूट करेगा डेटाबेस में तो रिजल्ट रिटर्न आएगा, राइट। यहाँ इस केस में ट्रू या फॉल्स दे रहा है। तो सक्सेसफुल एक्सक्यूशन के लिए यहाँ क्या रिटर्न करेगा आपको, फॉल्स रिटर्न करेगा। यदि इंसर्शन सक्सेसफुली हुआ तो फॉल्स, इंसर्शन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो ट्रू रिटर्न करेगा। दैट्स व्हाई आई हैव गिवन निगेशन ओवर हियर एंड आई एम जस्ट प्रिंटिंग दिस वन। तो ये स्टेप नंबर फोर, राइट। स्टेप नंबर फाइव में क्या किया, मैंने फाइनली ब्लॉक में कनेक्शन और स्टेटमेंट को क्लोज कर दिया। इनकेस आपका रिजल्ट सेट भी इसमें होगा ट्राई में तो रिजल्ट सेट को भी क्लोज करना होगा। यू कैन सी दिस इज द अगली काइंड ऑफ कोड हमें लिखना पड़ता है फाइनली ब्लॉक में, क्योंकि कनेक्शन जैसे ही क्लोज करने जाओगे तो ये क्या करता है, कौन सा एक्सेप्शन थ्रो करता है, सीक्वल एक्सेप्शन। सीक्वल एक्सेप्शन क्या है, ये बेसिकली चेक्ड एक्सेप्शन है। तो आपको ट्राई कैच में रैप करना होगा या थ्रोज क्लॉज डिक्लेयर करना होगा, राइट। तो ये इस तरह का अगली कोड हो जाता है, राइट। तो ये सारे पांच स्टेप्स इस तरह से, जब जावा 7 से पहले हम इस तरह से कोड लिखते थे, राइट। नहीं, लेकिन जावा 7 ऑनवर्ड्स सिनेरियो थोड़ा चेंज हो गया। जावा 7 में क्या है, जावा 7 केम अप विद द ट्राई विथ रिसोर्सेज। सो हियर यू कैन सी, जैसे मैंने गेट कनेक्शन कॉल किया तो ड्राइवर रजिस्टर हो गया, राइट। उसके बाद हमने आप देख सकते हो ट्राई के बाजू में मैंने कनेक्शन लिया, उसके बाद सेमी कॉलन, सेकेंड रिसोर्स लिया, इसके बाद थर्ड रिसोर्स लिया। तो देख सकते हो ट्राई विथ रिसोर्सेज, ट्राई के बाजू में ब्रैकेट में सारे रिसोर्सेज को, मोर देन वन रिसोर्स को आप डिक्लेयर कर सकते हो। इससे फायदा क्या होता है गाइस, कि आपको फाइनली ब्लॉक में इन रिसोर्सेज को क्लोज नहीं करना होगा। ट्राई विथ रिसोर्सेज में ट्राई के बाजू में जो भी रिसोर्सेज डिक्लेयर करते हो, दैट ऑल रिसोर्सेज विल बी एक्सेसिबल विद इन द ट्राई ब्लॉक, राइट। ये ऐसा कैसे हो पा रहा है, क्योंकि आप जाके देखोगे कनेक्शन इंटरफेस, द कनेक्शन इंटरफेस के ऑटो क्लोजेबल के इंप्लीमेंट कर रहा है, राइट। ऑटो क्लोजेबल इज हैविंग द क्लोज मेथड फाइनली, और ये क्लोज मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, राइट। मतलब रिसोर्स को क्लोज कर देगा, राइट। तो दैट्स द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ट्राई विथ रिसोर्सेज। तो इस तरह से हमने स्टेटमेंट को भी ले लिया, और क्योंकि स्टेटमेंट में भी देखोगा अल्टीमेटली स्टेटमेंट ऑटो क्लोजेबल को ये कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है। उसी तरह रिजल्ट सेट को भी देखोगे ऑटो क्लोजेबल को इंप्लीमेंट कर रहा है, राइट। तो जो भी इंटरफेस ऑटो क्लोजेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगा उसको ट्राई विथ रिसोर्सेज में आप यूज कर सकते हैं, राइट। एंड तो आप देख सकते हो कि पहला रजिस्टर ड्राइवर जब इसको कॉल करेंगे तो ड्राइवर रजिस्टर हो गया, फिर हमने कनेक्शन लिया, सॉरी फिर मैंने फिर हम लोगों ने क्या किया, बेसिकली सीक्वल क्वेरी एक्सक्यूट कर रहा हूँ, राइट, स्टेटमेंट के थ्रू। और उसका रिजल्ट सेट मिल गया, सीक्वल क्वेरी रिजल्ट सेट गेट करने के लिए जब स्टेटमेंट होता है तो सीक्वल क्वेरी आपको यहाँ पास करना होगा। जब प्रिपेयर स्टेटमेंट क्रिएट करना होता है तो आपका जो सीक्वल क्वेरी है यहाँ प्रिपेयर स्टेटमेंट क्रिएट करने के समय ही पास करना होता है, राइट। तो यहाँ पर फाइनली जब आपको रिजल्ट सेट मिल गया तो रिजल्ट सेट को आपको प्रोसेस करना है। तो इस तरह से हम रिजल्ट सेट को प्रोसेस करते हैं, फाइनली क्लोज द रिसोर्सेस, ये ऑलरेडी हो गया है, वो स्टेप हम यहाँ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ट्राई विथ रिसोर्सेस हमने यूज करा है। तो गाइस आशा है कि ये स्टेप्स आपको वेरी मच क्लियर होगा, नीट एंड क्लीन क्लियर होगा। स्टिल आपको डाउट है तो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट बिलो टू द वीडियो, आई विल ट्राई टू आंसर। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं अगली वीडियो में।